Hey everyone, we have Dr. Jay sir here again on our episode 3, where we are going to cover about all the programs that he conducts for his mentees and all the benefits that he can give to people who attend his programs. So Jay sir, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए. सो स्टार्ट करते हैं, आपके प्रोग्राम्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझते हैं और सबके लिए क्या क्या बेनिफिट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं. आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ. देखिए, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, और वास्तव में तो प्रोग्राम तो एक ही है, उसके मॉड्यूल्स हैं. ओके. और प्रोग्राम प्रोग्राम का पर्पज क्या है, वही क्या है, वो हमें क्लियर होना चाहिए. तो वही है कि जो एजुकेशन है, हमें एजुकेट करना अपने आप को, वो प्रोग्राम का पर्पज है. एजुकेशन का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर की इनर विजडम है, उसको हम एक्सप्रेस करें. अभी ओके. क्या हो रहा है, एजुकेशन को हमने सही ढंग से समझा नहीं. एजुकेशन का मतलब है बाहर से जानकारी इकट्ठी करना, रटना और एग्जाम पास करना, बट दिस इज नॉट द एजुकेशन. तो पहली एजुकेशन तो यह है जो आप अपने अंदर की विजडम है. तभी तो देखो ना, हमारे ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है, हाँ जी, राइट. आंख बंद करके ध्यान करते हैं, उसमें शोध करते हैं, अपने आप को समझ के और प्रकृति के साथ कनेक्ट करके वो विजडम हासिल करते हैं, एनलाइटनमेंट ओके, हासिल करते हैं. राइट, वो समझ. एजुकेशन, वो एजुकेशन किस चीज की एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं? हीलिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं. आप देखो, प्रकृति में हीलिंग के अलावा कुछ नहीं हो रहा है. हैं, राइट. जंगल में इतने जानवर हैं, कौन से उनके हॉस्पिटल हैं, आप बताओ. हैं, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी स्वयं को हील करना जानते हैं. आप देखो, कोई पेड़ टूट जाए तो दूसरी पत्तियां उगाती है ना, उसमें से हाँ जी, हील करता है. कैसे रेजुविनेट करता है वो अपने आप को. तो ये राइट. नेचर के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं हर जगह, ये क्षमता ह्यूमन के पास भी है कि कैसे वो अपने आप को हील कर सकता है नेचुरली. ओके लेकिन ह्यूमंस उसको नहीं जानते हैं. ओके तो प्रोग्राम का पर्पज ये है, उस सेल्फ हीलिंग पावर को हमें डिस्कवर करना है अपने अंदर, ओके और उसको डिस्कवर करके हमें बीमारियों से अपने आप को बचाना है. फिजिकल बीमारियां, फिजिकल एलिमेंट्स एंड मेंटल डिफाइलमेंट्स, राइट. मेंटल एलिमेंट्स, उनसे प्रिवेंट करना है. दूसरा उसका ओके पर्पज ये है कि अगर वो बीमारियां हो गई हैं तो कैसे नेचुरली बिना मेडिसिन के उसको हम ठीक कर सकते हैं. ओके समझ गया. और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे हो कि नेचर हैज इट्स ओन हीलिंग पावर्स, तो अगर मान लो किसी को अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है और काफी समय से वो उस कष्ट से गूंज रहा है, बॉडी को लेके, डिजीज को लेके, सो मेडिसिन तो वो खा ही रहा है, एलोपैथी और जो भी होम्योपैथी जो भी है, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है या उस बीमारी को लेकर उसके दिमाग में जो चिंताएं हैं, उसको कैसे दूर करें और वो हीलिंग में हमारा कितना काम आ सकते हैं? तो मेंटल एस्पेक्ट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और आज तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि बीमारी का 80% कारण आपके मन में है. राइट. तो मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा डिफरेंट है इस बारे में. मेरा मानना यह है कि बॉडी एंड माइंड दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं. अधिकांश बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं. ओके तो आप एक पे काम करोगे तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाता है. ओके अब मन पे तो समझे. कैसे काम करोगे आप बताओ. मन पे काम करना आसान नहीं है, लोग कहते तो हैं, लेकिन मन पे काम करना आसान नहीं है, शरीर पे काम करना आसान है, शरीर राइट. दिखाई देता है. तो मेरे प्रोग्राम में मैं सारा जोर जो है शरीर पर देता हूँ, मन ओके पर नहीं देता हूँ. मन अपने आप ठीक होता है. आप देखो, हमारे ओके प्रोग्राम में 12-12 साल पुराना डिप्रेशन ठीक हो रहा है, फूड एडिक्शन ओके ठीक हो ओके रही है, जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उनका अल्कोहल छूट रहा है, तंबाकू छूट रहा है, चाय पीने की आदत छूट रही है. राइट. ओके तो कैसे हो रहा है? हम तो मन मन की ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह ओके रहे हैं बॉडी को ठीक करो. ओके ओके आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. जो हमारे बॉडी जो हम मेंटेन करते हैं अच्छा खाना और एक्सरसाइज या मेडिटेशन के थ्रू,
सो वो उसका जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो फिजिकली नहीं और अंदर उसके जो मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड हेल्थ काइंड ऑफ ट्रांसलेट्स इनटू योर लाइफ इन अ बिग वे। सो ये मैंने अपने जिंदगी में भी अनुभव किया है। जैसे मैंने अपनी बॉडी में कुछ एक्टिविटी लाया, मोशन या वॉकिंग किया, तो ऑटोमेटिकली आई फील अ लिटिल रिफ्रेश्ड और मैं माइंड से भी थोड़ा एक्टिव फील करता हूँ। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। जी जी सर, ये जो आपकी प्रोग्राम्स है उसमें क्या प्रोसेस है? आई नो यू एडवोकेट सूर्य नमस्कार एंड भक्तांबर मंत्र ऑल्सो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक व्हाट आर द सम रिचुअल्स दैट पीपल कैन डू सो दैट ऑन अ डेली बेसिस वो अपने हैबिट्स को बिल्ड करें? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं जो पहला प्रश्न था आपका बॉडी एंड माइंड वाला, उसको एलोबरेट करना चाहूंगा कि ओके बॉडी श्योर। पे कैसे काम करोगे आप और कैसे बॉडी पे काम करके माइंड ठीक हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है। देखिए, जो आपकी गट है उसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, राइट। यस और नो, सुना होगा आपने कि गट हाँ आपका जी, इट्स ब्रेन है। मच मोर पावरफुल देन द ब्रेन। यस, सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? जितने बैक्टीरिया आपके ब्रेन में है, जितने सेल्स ब्रेन में, उतने बैक्टीरिया आपके गट में होते हैं, ओके उसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ओके। और गट का साइज क्या होता है आपको मालूम है? नहीं 30 फीट गट का ओके साइज, मुंह से लेकर ओके और एनस तक ओके इसका जो लेंथ है ये गट है आपकी। ओके और गट को जब आप ठीक करते हो, गट को जब आप क्लीन करते हो, तो आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों ठीक होते हैं। ओके ओके तो इसलिए कहते हैं एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ओके तो एक तो बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हमारी फोकस गट होती है, तो राइट। गट पे काम समझ कर, गया। गट को तो गट हेल्थ के लिए काफी लोग डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम्स में आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखो, हम डाइट को नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि डाइट को हम कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, कर सकते हैं बताओ? नोबडी हैज द पावर और एन अथॉरिटी टू डू दैट। ओके क्यों? हर जानवर को अपना डाइट मालूम है ना, हाँ जी इंसान को क्यों बताने की जरूरत पड़ेगी कोई दूसरा बताए? राइट देखो, आपने कहावत सुनी है, बैंगन किसी को पचे किसी को कुपचे। हाँ जी आप किसी दूसरे को, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं वही बताऊंगा ना, भैया ये अच्छी है आप भी खाओ। हाँ जी ओके गॉट डज इट वर्क? राइट हाँ, बताओ। एक खेत में चार तरह के जानवर है, गाय भी है, बकरी भी है, हाथी भी है और बंदर भी है, जिराफ भी है, लंगूर भी है, छह तरह के जानवर है। आप बताओ, क्या छह एक जैसा भोजन करेंगे क्या? हाँ जी, अपने वासना के अपने जो रुचि है उस हिसाब से करते हैं, लेकिन वो गट हेल्थ के लिए मतलब इट माइट बी हार्मफुल और हानिकारक हो सकता है कुछ चीजें, तो वो हमें ध्यान में रखना है और कैसे नहीं नहीं उसको नहीं नहीं ध्यान में रखना है। ओके। आपने अभी एक अच्छी बात कही कि वो अपनी रुचि के हिसाब से, टेस्ट हाँ के जी हिसाब से चुनाव करेंगे। और टेस्ट कहाँ से आता है? इनर विजडम से आता है वो टेस्ट। गाय ओके राइट को घास अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसके लिए घास अच्छी है। राइट बकरी को कोई सी पत्ती अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी लग रही है उसे वो पत्ती? वो पत्ती गाय को नहीं अच्छी लगेगी। हाथी कोई और पत्ती खा रहा है, ओके जिराफ कुछ खा रहा है। ओके अब देखो, तभी उसकी गर्दन इतनी लंबी बनाई है पटल राइट राइट कि उसको फल तोड़ के खाने हैं। हाँ जी तो इसलिए नेचर में जो चीजें हैं वो बहुत सुव्यवस्थित है, हमें समझ नहीं है उसकी। ओके तो हमारे प्रोग्राम में विशेष चीज क्या है, तो हम समझ को बढ़ाते हैं, ओके हम अपने शरीर के बारे में जाने, अपने गट के बारे ओके में जाने, उसको स्वभाव को समझें और नेचर से कनेक्ट करें। नेचर से ओके कनेक्ट करेंगे तो भोजन की जरूरत ही कम हो जाती है। जितना ओके भोजन आम आदमी करता है उतनी की जरूरत नहीं है। राइट राइट तो क्या भोजन करना है, कितना भोजन करना है, उससे पहले ही जरूरी है भोजन क्यों करना है। क्यों भोजन करना है, मैं आपसे पूछता हूँ, भोजन क्यों करते हैं? ताकि हम स्वस्थ रहें और एनर्जी के साथ जी भूख भी मरे।
देखो लेकिन पूरी तरह सही नहीं है बात। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड रिक्वायर्स एनर्जी, मोर वी ईट द मोर एनर्जी वी रिक्वायर। और इस भ्रम अच्छा से कि भोजन से एनर्जी मिलती है, हम जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं। तो भोजन क्यों करते हैं? देखिए 25 साल की उम्र तक व्यक्ति का शरीर ग्रो करता है, लेकिन 25 साल के बाद ग्रो नहीं करता, उसकी हड्डियां दांत सब बन जाते हैं 25 साल तक। तो ओके ओके 25 साल तक भोजन बिल्डिंग मटेरियल है, शरीर को ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके 25 साल के बाद इतने भोजन की जरूरत नहीं है, 25 राइट साल के बाद भोजन मेंटेनेंस के लिए चाहिए, बॉडी को मेंटेन ओके करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, तब ओके इतने भोजन की जरूरत नहीं है, ओके थोड़े भोजन की जरूरत है। ओके सॉरी तो भोजन को समझना होगा, और हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग है, हर व्यक्ति का काम, उसका काम क्या है, उसकी शरीर की स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, और किस भौगोलिक स्थिति में वो रहता है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी हाँ जी बॉडी बिल्ड क्या है, उन सब के आधार पे उसके उसका भोजन निर्णय होगा, क्या भोजन करेगा और कितना भोजन करेगा और कब भोजन करेगा। ओके ओके एक आपने बात कही कि आदमी जरूरत से ज्यादा भोजन करता है और वो शायद टेस्ट और अपने दिन लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सो आपने प्रीवियस वीडियो में फूड एडिक्शन के बारे में काफी बताया। सो हाउ डू यू सी फूड एडिक्शन ट्रांसलेटिंग इनटू हेल्थ चैलेंजेस एंड वो उसको रिजोल्व करने के लिए आपके प्रोग्राम्स में आप क्या सजेशंस दे रहे हैं? वास्तव में आपने कहा है, वास्तव में इंसान फूड एडिक्ट हो गया है। और फूड एडिक्ट क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही पेरेंट्स उसको उल्टा सीधा खिलाते हैं, जो उनको पसंद है वो सब खिलाना चाहते हैं, बच्चे को मौका नहीं देते अपना भोजन डिसाइड करने के लिए, जैसे हर जानवर अपना भोजन खुद डिसाइड करता है, ऐसे ही बच्चा भी कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स करने देते। तो पहली बात तो फूड एडिक्ट बनता है, फिर स्कूल में जाता है तो स्कूल की कैंटीन में भी उसे जंक फूड मिलता है, फिर डॉक्टर्स भी उसे फूड एडिक्ट बना रहे हैं, उसे कह रहे हैं भी बीमारी में चाय बिस्कुट खाओ और दवाई खाओ और दो दो घंटे के अंतर पे खाओ, बिंज ईटिंग करना सिखा रहे हैं उसे। फिर जो हमारे पंडित पुरोहित है वो भी हमें फूड एडिक्ट बना रहे हैं। आप देखो सारे त्योहारों को हमने पूरी कचौरी से जोड़ दिया है, दिवाली पे पूरी कचौरी हलवा मिठाई खाओ भी और हाँ खिलाओ है, होली पर भी खाओ भी और खिलाओ भी पूरी कचौरी हलवा, रक्षाबंधन पे भी पूरी कचौरी हलवा है, राइट जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं पूरी कचौरी हलवा है, मंदिर में जाओ मस्जिद में जाओ गुरुद्वारे में जाओ पूरी कचौरी हलवा है, किसी के मरने पे जाओ तो पूरी कचौरी जलेबी हलवा। हर जगह हमने भोजन को और गरिष्ठ भोजन को इतना पॉपुलर कर दिया है कि फूड एडिक्ट हो गए हम। और 25 साल के बाद भी तीन तीन चार चार बार खा रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा भोजन कर रहे हैं, और ये बीमारी का बड़ा कारण है। और बीमारी के साथ साथ हमारी एनर्जी कम हो रही है, आप देखो ना ओके कितना ऊर्जित रहता है, और जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो सुस्ती आती जाती है, खाट पकड़ लेता है 60 साल के बाद, तो सही बात है। इसलिए उसको रिटायर कर देते हैं, अभी अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। राइट ओके ओके सो अगर हमें वाइटालिटी को बढ़ाना है, जैसे हमारी जो एनर्जी है, फूड तो कम करना ही है, लेकिन मेडिटेशन के क्या इन्फ्लुएंस रहता है एक शरीर में? तो मेडिटेशन भी कई चीजें हैं, उसको भी हमें समझ। देखो मेडिटेशन जब हम बात करते हैं तो ध्यान, वो सिंपल टर्म्स में कोई भी बात कोई भी काम ध्यान पूर्वक करना, उसका सिंपल मतलब ये है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो सारा ध्यान हमारा बात करने पे है, भोजन कर रहे हैं तो सारा काम भोजन करने पे है, तो ये मेडिटेशन है। किसी भी काम में आप अगर अपना 100% देते हो, सजग होके करते हो, तो वो मेडिटेशन हुआ। एक होती है माइंडफुलनेस, होश होश पूर्वक करना, प्रेजेंट में रहना, एक ध्यान का वो प्रकार है। एक ध्यान का प्रकार है कि एक ही चीज पे फोकस करना, जैसे त्राटक करते हैं, जैसे कोई नासागर पे ध्यान करता है, आनापानसति कहते हैं, बुद्ध ने सिखाया है ये भी।
प्रकार है, कोई मंत्र जाप करता है वो भी ध्यान का प्रकार है। राइट लेकिन मैंने जो समझा है, इन सब में एक विशेष एफर्ट की जरूरत है, और मेडिटेशन एफर्टलेस चीज होती है। राइट तो वो चीज मैंने देखी कायस्थ सर्ग में। तो मैं लोगों को ओके कायस्थ सर्ग सिखाता हूँ कि काया को छोड़ दो, मन को भी छोड़ दो, और दोनों को ऑब्जेक्ट की तरह जानो। ओके तो शरीर से भी एफर्टलेस हो जाओ और मन से भी एफर्टलेस हो जाओ। ना मन ओके से विचार करना है, ना शरीर से कुछ करने का प्रयास करना है। तो उसको कहते हैं कायस्थ सर्ग। ओके ओके उसमें एक बहुत कॉमन से एक क्वेश्चन आता है सबसे कि मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ तो मेरे माइंड बहुत वांडर करता है और मैं कुछ ब्रेथ पे भी फोकस उतना कर नहीं पाता हूँ। तो आप क्या राय देंगे उस उन उन लोगों को जो कंसंट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं तो मेडिटेशन। देखिए, अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए। जो लोग सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं और भौतिक सब चीजों का भी आनंद लेना चाहते हैं, तो वो नहीं होता है। वो होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच में हम 6 चीजें सिखाते हैं। पहले तो नेचर से कनेक्ट करो। नेचर से कनेक्ट करोगे तो भोजन की जरूरत कम होगी आपकी, भोजन से नरिशमेंट मिलेगा आपको, नेचर से नरिशमेंट मिलेगा। नेचर से नरिशमेंट मिलेगा, भोजन की जरूरत कम होगी, तो शरीर में आलस्य और प्रमाद कम होगा, तो ध्यान में मन लगेगा ना। हाँ आप जी इतना भोजन कर रहे हो और जंक फूड इतना खा रहे हो, तो कभी भी मन को ठीक नहीं कर सकते आप। आपने कहा ओके राइट सुनिए, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन और मन। राइट तो सही ध्यान करेक्ट में उतरने के लिए पहले आपको नेचर से कनेक्ट करना होगा। भोजन आपका संयमित होगा तो ध्यान में मन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ओके ओके समझ गए। उसमें एक भगवत गीता में भी एक उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो आपने जो अभी आपने बोला कि जैसे खाना वैसे तन और मन, तो राजसिक तामसिक और सात्विक में वो खंड खंड दिया हुआ है फॉर फूड। तो आप उससे रिलेटेड कुछ सजेशंस देते हो अपने मेंटीज को। देखो, हम जो एडवांस प्रोग्राम है उसमें बताते हैं कि भोजन 3 प्रकार के सामान्यतः लोग समझते हैं। जैसे तामसिक भोजन, तामसिक भोजन में लोग समझते हैं शराब, मांस, अंडा, इसको मानते हैं। लेकिन बासी भोजन भी तामसिक भोजन होता है, ये लोग नहीं जानते हैं। तो जितना भी बासी भोजन है, जिसको आप आज बनाते हो सात्विक भोजन है, और बासी हो गया शाम तक या अगले दिन, तो वही तामसिक भोजन हो गया। श्रिया कैन यू प्लीज लॉग आउट, बी डन इन 10 मिनट्स। हाँ श्रिया, मैं आपको कॉल करता हूँ भी थोड़ी देर में, हम इस मीटिंग को पूरा कर लेते हैं। हाँ ऑल राइट ओके यस सर मैं कॉल करता हूँ भी आपको। हाँ जी तो एक तो तामसिक भोजन, जिसको मैंने बताया बासी भोजन भी तामसिक भोजन होता है। ओके जो टिफिन लेके जाते हो वो तामसिक भोजन है, जो ऑफिस में लेके जाते हो आप, राइट राइट लगता है कि सात्विक है, नहीं। दूसरा रासिक भोजन होता है, जितनी भी पूरी ओके जो भी हलवा है जो हमारे त्योहारों पे बनता है, वो सब रासिक भोजन है। ओके ओके तो तामसिक भोजन शरीर में तमस को बढ़ाता है, आलस्य को बढ़ाता है, प्रमाद को बढ़ाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ाता है। ओके okay. और रासिक भोजन महत्वाकांक्षी बनाता है, जो आप दौड़ लगाते रहते हो, और पैसा चाहिए, और बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, आप मतलब एक उसमें विशेष सर्कल में फंस जाते हो, महत्वाकांक्षी हो ओके जाते okay. हो। जैसे पहले ओके राजा okay. महाराजा हुआ करते थे, एक राजपाट जीते अब दूसरा जीतना है, लड़ाई हाँ जी ओके होती okay. रहती थी सारी जो है साल भर तक, कभी हाँ जी भी वो ढंग से बैठते नहीं थे, आनंद नहीं लेते थे जिंदगी का। फिर ओके ओके एक सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन में होता है जैसे हमारे यहाँ का भोजन है, दूध, दही, घी, मक्खन, दाल, रोटी, चावल, ये सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन किसके लिए अच्छा है, ये हमें समझना है। पहली बात तो कोई भी भोजन सात्विक है, तामसिक हो सकता है, रासिक हो सकता है, वो हमें समझना है। जैसे मैंने बताया, अगर बासी हो गया तो तामसिक हो गया। राइट राइट लेकिन सात्विक भोजन भी किसके लिए जरूरी है, जो मेहनत कश व्यक्ति है, जैसे खेत में काम करने वाला किसान, जैसे मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसके लिए सात्विक भोजन अच्छा है। ओके
लेकिन बीमार व्यक्ति के लिए सात्विक भोजन भी पर्याप्त नहीं है। अगर हमें हील करना है तो हमें गुणातीत भोजन चाहिए जो इनसे भी ऊपर हो, जिसको हम ओके बोलते हैं डिवाइन फूड। ओके ओके अब डिवाइन फूड क्या होता है? जो नेचर से मिलता है उसमें कम से कम प्रोसेसिंग करके हम भोजन तैयार करें, फ्रेश ओके खाएं, जैसे फल, सब्जी, सलाद, मेवे, और इनको बनाएं, इनसे भोजन बनाएं तो कम से कम इनको प्रोसेस करें, ओके ओके बहुत जिसमें अच्छा समय भी कम लगता है और इनको खाने में भी समय कम लगता है, पचाने में भी समय कम लगता है, ओके ओके और कम भोजन की जरूरत होती है। जैसे सैलेड और जैसे रॉ फ्रूट्स जैसे एंड सलाद है, फल है, ओके सब्जियां हैं, ऑलराइट ओके जूसीज है। ओके गॉट ऑलराइट थैंक यू सो मच जी सर। ये एपिसोड काफी खास रहा, काफी चीजें समझने में आई। वी नो दैट यू आर हैव अदर मीटिंग्स, सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड विल कंटिन्यू दिस इन अ नेक्स्ट एपिसोड। सो थैंक यू। थैंक्स अगेन।